हेलो दोस्तों, मैं नबी करीम। स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी ओप्पो रेनो 4 प्रो के 60 से भी ज़्यादा हम टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर देखेंगे। दोस्तों इस स्मार्टफोन के कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको बताने वाला हूँ इसी स्मार्टफोन के। आप देखते हैं फोकस हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन फिर भी हुआ होगा। आप देखते हैं ये रहा ओप्पो रेनो 4 प्रो। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। टॉप 60 से भी ज़्यादा हिडन फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स जान लेते हैं इसी ओप्पो रेनो 4 प्रो के। तो चलिए अभी वीडियो की तरफ चलते हैं और इसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करेंगे दोस्तों, जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है। सेटिंग में आएंगे तो फोकस हो जाओ भाई, फोकस हो गया। फोकस करने के बाद ना दोस्तों हमको जाना है सबसे पहले यहाँ पर, थोड़ा ब्राइटनेस इसका कम कर लेते हैं। ठीक नहीं दिखाई दे रहा कैमरे में, हाँ ठीक है अभी अच्छे से दिखाई दे रहा ना। तो चलिए अभी आना दोस्तों आपको सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले जाना है आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर। इस सेटिंग में आने के बाद ना आपको सबसे पहले ही दिखता होगा स्वाइप टू डिलीट। ये क्या आपको बताता हूँ, स्वाइप राइट है ना ऊपर। स्वाइप राइट करेंगे, मान लो कि आपको कोई नोटिफिकेशन आ गया, आप स्वाइप राइट करेंगे ना इसे, राइट करने के बाद वो नोटिफिकेशन यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पर आपको कोई नोटिफिकेशन आने के बाद ना वो पॉपअप होकर ऊपर भी आ जाता है। आप स्वाइप राइट करेंगे तो जाएगा, आप स्वाइप लेफ्ट करेंगे ना, आप स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो तब जाकर जाएगा। तो आप उसके बाद हम दूसरी ट्रिक की बात करेंगे तो उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आपको दिख रहा होगा स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्रावर। ये क्या आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि इसको ऑफ करेंगे ना तो लॉक स्क्रीन पर रहना, आपको बता देता हूँ लॉक स्क्रीन पर जाकर लॉक स्क्रीन पर ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन कितने कितने आए, कौन कौन से एप्लीकेशन से आए, सब कुछ यहाँ पर बता देगा लॉक स्क्रीन पर। अगर इसको आप बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं, मैं बंद किया हूँ। अगर इसको ऑन ही करके रख लेना, क्योंकि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आ गया तो आप स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन मतलब मैसेज वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हैं लॉक स्क्रीन पर ही। उसके बाद ना तीसरी ट्रिक की बात करेंगे ना, तीसरी ट्रिक की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर डिस्प्ले डाटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्राइवर। ये क्या आपको बता देता हूँ, आप डिस्प्ले ना डाटा यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर सब कुछ वो बता देगा यहाँ पर डाटा यूजेज, आप इसको ज़रूर ऑन करके रख लेना। इसको भी नोटिफिकेशन बता देगा दोस्तों, आप कितने डाटा यूज़ कर रहे हो सब कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह बता देगा। इसको भी आप ज़रूर ऑन करके रख लेना, यूज़ कर लेना दोस्तों। उसके बाद ना यहाँ पर चौथी ट्रिक की बात करेंगे तो आता है उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार ही में जाना है आपको। उसी के आपको थोड़े फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, इस मैनेज नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पर चाहिए लॉक डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी, ये चाहिए या डू नॉट डिस्प्ले, आप जैसा चाहिए स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन पर वैसे रख सकते हैं। दोस्तों डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी रख लेना, थोड़ा अच्छा यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद और दोस्तों हम बात करें पांचवी ट्रिक की, उसी सेटिंग में आपको मैनेज नोटिफिकेशन पर ही आना है। अब मान लो कि आपको बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे मिलते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वो ना दोस्तों आप नोटिफिकेशन आते हैं इतने आते हैं यहाँ पर वो बोर होता है, क्लियर कर करके बस होता है। अगर आपको ना दोस्तों बंद करना है, अब मान लो कि क्रोम ब्राउज़र से आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आते होंगे, इस क्रोम ब्राउज़र से आपको नोटिफिकेशन अभी नहीं पाना है, यहाँ पर ऊपर नहीं आना, दिखना ही नहीं एक भी नोटिफिकेशन, तो यहाँ से इसको ऑफ करना है। ऑफ करेंगे ना आपको यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र से मतलब क्रोम ब्राउज़र से कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्रोम ब्राउज़र से। और जो एप्लीकेशन का आप नोटिफिकेशन बंद करना, फेसबुक से बहुत आते हैं, फेसबुक का बंद करना चाहते हैं बंद कर लेना, यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन फेसबुक का आपको नहीं दिखेगा, ऐसे आप बंद कर सकते हैं उसमें ऐप की नोटिफिकेशन। उसके बाद हम छठी ट्रिक की बात करेंगे तो उसके बाद मोर सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। ऑटो शॉर्ट नोटिफिकेशन, वो ऑटो शॉर्ट हो जाएंगे सो नोटिफिकेशन सजेशन रिप्लाई, वो तो चलिए उसको तो जाने दो, वो कोई खास ट्रिक नहीं है। उसके बाद बैक आते हैं, सो बैक अगर हम बात करते हैं सातवीं ट्रिक की बात करेंगे ना, अभी फिलहाल बैटरी परसेंटेज अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो स्क्रीन पर दिख रहा है बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो दिख रहा है ना अभी हमको यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज। बैटरी परसेंटेज इसको ऑन कर लेना, ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं अभी बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो गई। फोकस हो जा भाई फोकस, हाँ आप देख सकते हैं उसमें बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं अभी बैटरी परसेंटेज दिखाई दे रही है, फोकस तो नहीं हो रहा है, तो फिर भी आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज अभी दिखाई दे रही है। फिर भी यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ से इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज दिखाना जैसे मतलब यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आठवीं ट्रिक की बात करें दोस्तों, आठवीं ट्रिक की बात करेंगे तो उसी के ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन कर लेना। ये क्या आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि आप सिम कार्ड डालकर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं मतलब डेटा यूज़ कर रहे हैं नेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका नेट कितनी स्पीड चलाए, कितने Mbps कितनी Kbps स्पीड चलाए यहाँ ऊपर आपको सिग्नल में बता देगा यहाँ ऊपर, तो आप पता कर सकते हैं इस जगह पर इतनी स्पीड से नेटवर्क स्पीड आता है।
जैसे आपको अच्छा लगे वैसे यूज़ कर सकते हैं। नवी ट्री की बात करेंगे ना, दोस्तों आपको ठीक नीचे आपको नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट आपको दिखता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको आइकॉन कर लेना है दोस्तों। और आप कर सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन काउंट भी कर सकते हैं और डू नॉट शो कर भी ये भी कर सकते हैं। एक आपको बता देता हूँ, मान लो कि आपको व्हाट्सअप से या फेसबुक से मैसेज आ गया, आने के बाद आप आइकॉन कर लेंगे ना, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप का आइकॉन बता देगा ऊपर की साइड में। यहाँ पर ना दोस्तों इसको करेंगे नोटिफिकेशन काउंट करेंगे ना, तो मान लो कि आपको WhatsApp से Facebook से नोटिफिकेशन आए दो एप्लीकेशन से, तो यहाँ पर दो ऐसे बोलकर दो इतना ही लिखा ही देगा, यहाँ पर इतना बता देगा, यहाँ पर आइकॉन नहीं बता देगा। आइकॉन नहीं रख लेना, सो आइकॉन रख लेंगे तो आपको कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर ऊपर बता देगा, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें दसवीं ट्रिक की, दसवीं ट्रिक की बात करेंगे ना दोस्तों, तो उसके ठीक नीचे आने के बाद आपको दिखता होगा यहाँ पर सबसे एकदम नीचे आपको जाना है, एड्ज लाइटिंग दिखता होगा दोस्तों आपको। ये ओप्पो का पहला स्मार्टफोन है दोस्तों, यहाँ पर एड्ज लाइटिंग आपको दिख रहा होगा, ये ओप्पो का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको एड्ज लाइटिंग मिलता है। तो यहाँ से इसको एड्ज लाइटिंग लाइट इफेक्ट फॉर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं लाइट कलर फॉर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, यहाँ पर ऑरेंज भी रख सकते हैं, न्यून पर्पल रख सकते हैं और ब्लू रख सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए वैसे आप कलर रख लेना। आप देख सकते हैं मैं कलर चेंज करूँगा तो यहाँ ऊपर पर्पल कलर आता है यहाँ पर इतना ही लाइट में। ये क्या आपको बताए तो मान लो कि आपको कोई नोटिफिकेशन आ गया तो लॉक स्क्रीन पर यहाँ एड्स लाइटिंग लगते हुए आपको मिल जाएगी दोस्तों, कुछ इस तरह से आता है, इसको भी आप एड्स लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं। ये ओप्पो का पहला स्मार्टफोन है तो मैं बता दिया ना आपको, जिसमें आपको एड्स लाइटिंग मिलता है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सैमसंग में ही होता है। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर ग्यारहवीं ट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायल पैड टोन है, टच साउंड है और लॉक स्क्रीन टून है, वाइब्रेट टच है और स्क्रीनशॉट साउंड है, फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड है, और सब कुछ डिलीट करने के बाद कोई मीडिया डिलीट करेंगे तो आप फोटो वीडियो तो वो भी साउंड है, इस सब को ऑफ कर लेना है। इसको ऑफ करना है, इसको ऑफ करने के बाद आपका क्या फ़ायदा होगा आपको बता देता हूँ। आपकी बैटरी ना कम कंज्यूम होगी, आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा देगी, क्योंकि इसको ऑन करके रख लेंगे ना तो बार बार टच होता रहेगा स्मार्टफोन। अब देख सकते हैं टिक टिक साउंड आ रहा है, आप देख सकते हैं ऐसे साउंड आता रहेगा ना तो आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, तो इसलिए इसको ऑफ कर लेना। और साथ में वाइब्रेट भी होते रहता है इसको टच करने के बाद में, तो बैटरी आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो इसको आप बंद करेंगे तो वो आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा देगी। सो हम पर बारह ट्रिक की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको डॉल्बी एटमॉस दिखता होगा, डॉल्बी एटमॉस भी इसमें आपको एक फीचर मिलेगा, आप मूवी गेमिंग म्यूजिक स्मार्ट जो आपको अच्छा लगता है साउंड वो यहाँ पर सेलेक्ट करके रख देते हैं। तो चलिए भी उसमें बैक आते हैं, अभी बैक आने के बाद पूरा बैक आना है हमको, पूरा बैक आने के बाद देखेंगे और हमको क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे। 13 फीचर की बात करते हैं, अभी 13 फीचर की बात करेंगे तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाने के बाद सबसे पहले आपको दिखता होगा यहाँ पर डार्क मोड, डार्क मोड पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। आप देख सकते हैं पूरा स्मार्टफोन ब्लैक ब्लैक सा हो गया। ये ब्लैक ब्लैक सा होने के बाद ना दोस्तों ये क्या आपका फ़ायदा होता है, ये भी ना दोस्तों बैटरी आपकी कम कंज्यूम हो जाती है, ये डार्क मोड से इतनी कम कंज्यूम होती है उसमें बैटरी, पूरा स्मार्टफोन ही ब्लैक ब्लैक सा हो गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तो आपको दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक सा होने के बाद आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी, ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी, तो उससे पता चलता है मतलब आपकी बैटरी ज़्यादा। और हर एक बात दोस्तों और एक फ़ायदा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये व्हाइट व्हाइट सा रहेगा ना, इसको आप ऑफ करेंगे तो व्हाइट व्हाइट सा होगा। अब थोड़ा स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज़ करने के बाद आपकी आंखों को इफेक्ट पड़ जाता है और आपकी आंखों में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए आपको डार्क मोड को यूज़ कर लेना, पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा तो आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, कुछ इस तरह से आता है। उसके बाद दोस्तों उसके ठीक नीचे आपको दिखता होगा आई कंफर्ट आपको दिख रहा होगा, इस पर अभी आपको क्लिक करके, ये भी इसी के रिगार्डिंग है दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग है, ये भी यूज़ कर लेना रात में। और एक बात दोस्तों डार्क मोड है ना, डार्क मोड को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, आप दिन में नहीं रात में इतना ही यूज़ करना चाहते हैं डार्क मोड को तो यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं, शाम के 7 बजे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और सुबह के 7 बजे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, इसको आप शेड्यूल कर सकते हैं यहाँ से। आई कम्फर्ट इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इसको भी ऑलवाइज ऑन रखना, ऑलवाइज ऑन रख लेना, इसको भी शेड्यूल कर सकते हैं आप, जैसे शाम के 7 बजे ना दोस्तों, शाम के 7 बजे ये भी ऑन हो जाएगा, इसको शेड्यूल करेंगे तो सुबह के 7 बजे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आप कलर कितना रखना चाहते हैं कलर भी यहाँ पर इसको रख सकते हैं, कूल है अभी फिलहाल तो हम इसको यहाँ से कलर ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भी रख लेना दोस्तों, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो अच्छी बात है, तो कुछ इस तरह से इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ठीक नीचे ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रहा होगा, आप देखते हैं पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो गया, कोई कलर वाला कोई दिखाई नहीं देगा, बैटरी भी कम कंज्यूम होगी
ऊपर से आपके आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, कुछ इस तरह से आता है। शेड्यूल करना चाहते हैं शेड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक आकर हम बात करते हैं 15 फीचर की। 15 फीचर की बात करेंगे तो ठीक नीचे आना है आपको। ठीक नीचे आने के बाद अलवाइज ऑन डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, अलवाइज ऑन डिस्प्ले इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इसको शेड्यूल भी करना चाहते हैं तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। रात में ऑफ कर सकते हैं, दिन में ऑन रख सकते हैं, टाइमिंग वगैरह लगाकर आप दिन में इतना यूज़ करना चाहते हैं दिन में लगा कर रख लेना। तो मतलब अच्छा दिखता है यहाँ पर। आप ऑफ स्क्रीन पर ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है टाइमिंग आपको दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से ये आ जाता है। आप इसको शेड्यूल करके रखेंगे ना, मतलब इसको आप ऑन करके रखेंगे ना अलवाइज ऑन डिस्प्ले को, थोड़ा यहाँ पर अच्छा दिखता है। और साथ में क्लॉक स्टाइल दोस्तों आप देख सकते हैं, क्लॉक स्टाइल यहाँ पर, क्लॉक स्टाइल आप अभी फिलहाल ऐसा है ना, अभी देख सकते हैं अभी फिलहाल ऐसा है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं हम यहाँ से। तो चलिए अभी ब्राइटनेस क्यों ज़्यादा तो ठीक है। यहाँ पर हम इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने आपको आप क्लॉक स्टाइल यहाँ पर मिल जाते हैं। ये क्लॉक स्टाइल है सो अलग अलग तरह तरह के आपको क्लॉक स्टाइल यहाँ पर मिल जाते हैं। सो आप देख सकते हैं इस रेनो 4 में कमाल का यहाँ पर ये स्मार्टफोन आप देख सकते हैं। इतने आपको आप मान लो कि हमको ये अच्छा लगा क्लॉक स्टाइल, तो आप देख सकते हैं ये डिजिटल है और ये आप देख सकते हैं मुझे अच्छा लगा, मान लो कि भी अच्छा लगा, तो इसको यहाँ से अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर वही रहेगा क्लॉक स्टाइल। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर बता दे रहा है टाइम, और जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों क्लॉक स्टाइल वो आप लगा कर रख लेना, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं 16 फीचर की। 16 फीचर की बात करेंगे दोस्तों, ये भी 16 फीचर था दोस्तों क्लॉक स्टाइल। अब बात करते हैं 17 फीचर की। 17 फीचर की बात करेंगे तो डिस्प्ले क्लॉक ओनली, ये भी आता है। इसको भी डिस्प्ले पर ही रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना रख लेना, 10% से कम हो गई आपकी बैटरी तो बंद हो जाएगा। तो चलिए बैक आकर हम बात करते हैं फीचर की, 18 फीचर की बात करते हैं। 18 फीचर की बात करेंगे तो बैक आए ना हमको, बैक आने के बाद अभी स्क्रीन कलर टेम्परेचर, ये कलर स्क्रीन कलर टेम्परेचर आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको बताता हूँ अभी डिफॉल्ट है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है ना स्क्रीन का, कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं स्क्रीन के कलर को भी आप यहाँ पर डिफॉल्ट करके मतलब टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। 19 फीचर की बात करते हैं, नीचे आना है। नीचे आने के बाद इसमें कमाल की बात है दोस्तों, इस रेनो 4 प्रो में आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट आना 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें अब ऑटो स्विच है, ऑटो मतलब ऑटो सेलेक्ट है, अभी 90 हर्ट्ज़ रख लेंगे हम, 90 हर्ट्ज़ रख लेंगे ना तो हम देखते हैं कितने स्पीड सा होता है। यहाँ पर बहुत ही स्पीड सा ये स्मार्टफोन चलता है, इससे यहाँ पर कोई हमको प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती, कोई एनिमेशन देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बहुत ही स्पीड से चलता है। आप देख सकते हैं सो अच्छा लगता है थोड़ा यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ यूज़ करते वक्त, और साथ में आप 60 हर्ट्ज़ भी रख सकते हैं। और आप देखते हैं ये रहा 60 हर्ट्ज़, ये भी एक ट्रिक आती है, बहुत ही अच्छी ट्रिक आती है, ट्रिक तो नहीं है ये सेटिंग है। सो इसको ऑन करके रख लेना आप भी, और ऑटो सेलेक्ट करेंगे ना सो कौन सी पोजीशन में कितने हर्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। सो आपको 90 हर्ज ही रखना है बोलकर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, और कुछ इस तरह से आता है, और आप इसको है ना ऑटो सेलेक्ट ही रख लेना, क्योंकि आपकी बैटरी ना सो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है आप है ना सो 90 हर्ज रख लेंगे तो, इसलिए आपको ऑटो सेलेक्ट पर ही रख लेना है। अभी बात करते हैं यहाँ पर 20 फीचर की। 20 फीचर की बात करेंगे तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको दिखता होगा यहाँ पर नीचे आने के बाद, आपको ठीक नीचे आने के बाद फॉन्ट आपको दिख रहा होगा, फॉन्ट को भी ना सो फॉन्ट स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप फॉन्ट है भी इसको मोर डाउनलोड करके आप मोर और दूसरे ले सकते हैं, अभी फिलहाल अभी नेट नहीं है तो अभी मैं फ़िलहाल डाउनलोड करके नहीं रख रहा। और उसके ठीक बाजू में स्वाइप करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरह तरह के थीम भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए भी उसके बाद बैक आते हैं, बात करते हैं 22 फीचर की। यहाँ पर दोस्तों फॉन्ट साइज़, आप फॉन्ट साइज़ भी यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कम दिखता है तो आप क्या करना है, अभी फिलहाल डिफॉल्ट है ना, आप कम दिखता है तो आप मीडियम कर लेना, थोड़े बड़े हो जाएंगे। अब ये भी आपको नहीं दिख रहा है, इससे भी कम दिखता है तो आप लार्ज कर लेना, और उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं तो आपके फॉन्ट है ना थोड़े बड़े हो जाएंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए, तो आपको ठीक से दिखाई देगा, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ से अभी नहीं होगी दोस्तों कोई देखने में। यहाँ पर देख सकते हैं कोई मैसेज वगैरह पढ़ने में, यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे क्योंकि यही ठीक लग रहा है। तो चलिए अभी बात करते हैं 23 फीचर की। 23 फीचर की बात करेंगे तो डिस्प्ले साइज़ आपको दिखता दिख रहा होगा यहाँ पर, अभी स्मॉल भी रख सकते हैं हम डिस्प्ले साइज़ को भी। अगर आपको उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आपको कम दिखता है तो आप डिफ़ॉल्ट अभी स्मॉल आप लार्ज रख लेना, अभी फिलहाल तो इसमें डिफ़ॉल्ट रहता है, आपको कम दिखता है तो आप लार्ज रख लेना, आपका डिस्प्ले भी ना सब बड़ा हो जाएगा कुछ इस तरह से आता है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी आपका बड़ा होगा तो आपको ठीक से दिखाना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है, आप डिस्प्ले को भी अच्छे से यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं अगर आपको कम दिखता है तो। चलिए यहाँ पर इसको भी हम डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं,
अब बात करते हैं अभी 24 फीचर की। 24 फीचर की बात करेंगे ना, सो आपको आना है बैक। बैक आने के बाद आपको बैक नहीं आना, उसी के नीचे और अभी आपको फीचर्स मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको जाने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले पर आपको क्लिक करना है। फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप मान लो कि आप फेसबुक ओपन करेंगे। फेसबुक ओपन करेंगे ना सो ये जो आपको दिख रहा है ना फ्रंट कैमरा नॉच, ये नॉच आपको नहीं दिखाना चाहिए, तो आप क्या करना है, आपको हाइड फ्रंट कैमरा शो ऐप इन फुल स्क्रीन। आप देख, आप चलिए अमेज़न को करते हैं, अमेज़न को हाइड करेंगे तो हम ओपन करते हैं अमेज़न को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन होने दो पूरा इसको। तो चलिए अभी आप देख सकते हैं ये हाइड हो चुका ना, अभी आपको फ्रंट कैमरा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं दोस्तों। खास एप्लीकेशन पर फ्रंट कैमरा कुछ इस तरह से आता है। 25 फीचर की बात करें उसमें बैक आना है, भी बैक आने के बाद आपको एड लाइटिंग तो आपको बता दिया, यहाँ भी आपको मिल जाएगी वो सेटिंग। और उसके बाद 25 फीचर की बात करेंगे तो होम स्क्रीन मोड है उसमें, अभी फिलहाल हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल रहे हैं, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर भी मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मिलेंगे, पूरे एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिलेंगे ऐसे ड्राव करने के बाद में। तो आपको ना सो क्या करना है, उसी सेटिंग में होम स्क्रीन मोड पर आपको क्लिक करके यहाँ पर ना सो स्टैंडर्ड मोड भी रख सकते हैं, स्विच कर लेना है। स्विच करने के बाद ना सो आप ऐसे ही यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको यहीं मिलेंगे, ऐसे ऊपर करने के बाद एप्लीकेशन आपको कोई आएगा नहीं, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, मैं तो आपको बताते जा रहा हूँ जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो ड्राइवर मोड ही अच्छा लगता है। अच्छा, ड्राइव करने के बाद एप्लीकेशन आ जाते हैं यहाँ पर, मुझे अच्छा लगता है फीचर, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे यूज़ कर लेना। उसके बाद 26 फीचर की बात करेंगे तो बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जाना है अभी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन मोड, आपको बता दिया ना मैं, ड्राइवर मोड वही फीचर यहाँ पर भी आपको मिल रहा है आपको यहाँ पर। उसके बाद दिख रहा होगा यहाँ पर आइकन पॉल डाउन गेस्टर्स, आपको दिख रहा होगा आइकन पॉल डाउन गेस्टर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है इसको ना सो हम यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वन हैंड से ना सो आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये सेटिंग आती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे वन हैंडेड से आप कोई भी ऐप को ऐसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐप को दिक्कत नहीं होगी, एक अच्छी ट्रिक आती है। अब बात करते हैं 27 फीचर की। 27 फीचर की बात करें तो लॉक होम स्क्रीन लाइट, एक आपको बता देता हूँ, इसको ऑन कर लेने से पहले आपको बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर एप्लीकेशन रखी हो, आप यहाँ पर रखे हैं ना, तो इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बटा देते हैं, यहाँ से निकल जाता है एप्लीकेशन। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से यहाँ चला गया। तो कभी कभी जेब में रखने के बाद, कभी कभी बच्चों के हाथ में देने के बाद भी स्मार्टफोन तो ऐसे हो जाता है। तो इसको यहाँ से लॉक होम स्क्रीन लाइट कर लेंगे ना, तो यहाँ से अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं वो कुछ भी कर लो अपने अपने जगह से होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन हिलेंगे नहीं दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इस सेटिंग को। 28 फीचर की बात करेंगे तो उसी के ठीक नीचे आने के बाद शो ऐप प्रेडिक्शन, आपको दिख रहा होगा इसको आप ऑफ कर लेना, ये क्या आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऐप प्रेडिक्शन आपको दिखाई दे रहा ना, ये रिसेंट एप्लीकेशन आते हैं दोस्तों, ये जो चार आ रहे हैं ना, जो रिसेंट एप्लीकेशन आते हैं इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, शो ऐप प्रेडिक्शन को ऑफ कर लिया। तो चलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एप्लीकेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा, प्रेडिक्शन एप्लीकेशन अभी ऑल एप्लीकेशन ही बता दे रहा, ये सारे एप्लीकेशन हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 29 फीचर की बात करेंगे तो आपको दिखता होगा ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन, एक ऐप को बता देता हूँ, इसको ऑफ करेंगे ना तो क्या होगा और ऑन करेंगे तो क्या होगा बता देता हूँ। इसको ऑन कर लेने के बाद अब मान लो कि आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, डाउनलोड करने के बाद ना वो एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ पर होम स्क्रीन पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा लेकिन यहाँ होम स्क्रीन पर भी आकर बैठेगा। आप नहीं चाहते तो इसको ऑफ कर लेना, अब प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद होम स्क्रीन पर नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं 30 फीचर की बात करेंगे तो होम स्क्रीन लाइट, आप देख सकते हैं होम स्क्रीन लाइट है ना दोस्तों, इसको करने के लिए इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो होम स्क्रीन लाइट है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी होम स्क्रीन है, आपको बता देता हूँ ये इतने है ना होम स्क्रीन ऐसा है, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम 5x6 कर लेते हैं, 5x6 रखने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों एक ही पेज में एप्लीकेशन थोड़े छोटे छोटे होकर एडजस्ट होकर बैठ गए हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में ज़्यादा एप्लीकेशन है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एक ही पेज में पूरे एप्लीकेशन एडजस्ट होकर छोटे छोटे बनकर बढ़ जाते हैं। अगर कम है तो 4x6 रख लेना, बड़े बड़े बनकर एक ही पेज में अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, यहाँ पर एक कूल लग जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं 31 फीचर की। 31 फीचर की बात करेंगे तो आइकॉन ऑटो फिल, ये क्या आपको बता देता हूँ, इसको ऑन करके रख लेना है। इसको ऑन करने के बाद ना सो आपको नोटिफिकेशन वाले आइकॉन है ना वो ऑटो फिल होते जाएंगे। और एक बात ये या तो यहाँ पर ऐसे ये करेंगे ना सो नोटिफिकेशन वाले आइकॉन यहाँ से
ऐसे हेल्थी रहेंगे। तो आप मान लो कि आपको फेसबुक से नोटिफिकेशन आ गया तो हम इसको ऐसे करेंगे ना, तो ऐसे फील होता है ऑटोमेटिक, वो राउंड होते रहता है, कुछ इस तरह से वो ट्रिक आती है। 32 फीचर की बात करते हैं, भी 32 फीचर की बात करेंगे तो ऐप एनिमेशन स्पीड, ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि अभी नॉर्मल है, हम इसको फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, अभी नॉर्मल है ना, आपको ये क्या बता देता हूँ। अभी ओपन कर लिया हम ये ऐप को, ओपन कर ले रहे हैं यहाँ पर कितने स्लो से ओपन हो रहा है, कितने स्लो से बैक हो रहा है, आप देख सकते हैं स्लो से ओपन हो रहा है ना, एनिमेशन आ रहा है इसे नीचे से उठकर आ रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इसको फास्ट करेंगे, हम यहाँ पर फास्ट करेंगे ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन करेंगे तो कितनी स्पीड से ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं अभी कितनी स्पीड से ओपन हुआ ना, आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से बैक आया ना, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आता है। इसको आप फास्ट रख लेना, सो इस आइकन को ऐप एनिमेशन स्पीड को फास्ट रख लेना। उसके बाद 33 फीचर की बात करेंगे तो स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, ग्लोबल सर्च है और नोटिफिकेशन ड्रावर है। अभी हम इसे स्वाइप डाउन करेंगे ना, तो होम स्क्रीन पर ये क्या आपको बता देता हूँ, स्वाइप डाउन करेंगे तो अभी सर्च बार है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं सर्च बार की, तो हमको क्या करना है अभी नोटिफिकेशन ड्रावर पर आपको क्लिक करना है। आप स्वाइप करेंगे ना तो ये नोटिफिकेशन ड्रावर यहाँ पर आ जाता है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रावर अभी आपको यहाँ पर मिल रहा है। 100 से भी आप थोड़ा इतना करेंगे तो भी नोटिफिकेशन ड्रावर आ जाता है, आप देख सकते हैं इतना करेंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं सो इस स्मार्टफोन को। यहाँ पर 34 फीचर की बात करेंगे तो उसी की नीचे आपको ठीक नीचे आने के बाद सेट थीम, थीम तो आपको मिल जाएगा, वो तो आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर सेट आइकॉन स्टाइल आपको बता देता हूँ, ये क्या आपको भारी मतलब ये कमाल की ट्रिक आती है। अब देख सकते हैं डिफॉल्ट है भी, अभी देख सकते हैं एप्लीकेशन ऐसे है ना, ये एप्लीकेशन ऐसे है ना, तो हम इसको एप्लीकेशंस को यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टाइल में आते हैं। अभी हमको ये अच्छा लगेगा तो हम इसको अप्लाई कर लेना, तीन आपको ट्रिक मिलेंगे उसको एप्लीकेशन स्टाइल को। आप एप्लीकेशन को मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं, सो आप देख सकते हैं ये राउंड वाले थोड़ा एप्लीकेशन अच्छे दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो स्टाइल यहाँ पर आप रख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं 35 फीचर की, 35 फीचर की बात करेंगे तो ठीक नीचे आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन इसको ऑन कर लेंगे ना, ऑन करने के बाद ये लॉक स्क्रीन वाले जो फोटोज हैं ना सो हर बार चेंज होते हुए आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। हम इसको ना सो ऑफ करेंगे, ऑफ स्क्रीन करेंगे तो ये एक ही फोटो रहेगा, हर बार चेंज नहीं होगा, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसे रख सकते हैं। अगर आपको बार बार चेंज होता हुआ चाहिए फोटो लॉक स्क्रीन पर तो इसको ऑन कर लेना, ऐसे नहीं चाहिए तो ऑफ कर लेना। बात करते हैं 36 फीचर की, यहाँ पर बैक आना, सो हमको बैक आने के बाद आप देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो आपको बता दिया मैं जो ट्रिक थे वो बता दिया। उसके बाद हम ठीक नीचे आने के बाद आपको देख सकते हैं डिफॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर, आप देख सकते हैं ऐड ऑन भी है यहाँ पर, कोई आप एक्स्ट्रा माइक भी लगाकर कोई भी फ़ोन से कनेक्ट करके, डिवाइस से कनेक्ट करके, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके वो भी रिकॉर्ड यहाँ से कर सकते हैं। ऐड ऑन ऑटो सेलेक्ट कर लेना, सो ऑटो सेलेक्ट ही बेहतर है, जो रहेगा वो यहाँ से रिकॉर्डिंग होती रहेगी। उसके बाद बैक आने के बाद हम 37 फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता होगा इन ईयर मॉनिटरिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको भी ऑन करके रख लेना, यहाँ पर कोई आपको इश्यू नहीं होगी हेडफोन लगाने के बाद और साउंड की यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होगी, ये एक अच्छी ट्रिक आती है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको रिमाइंड वो करेगा अब ज़्यादा हेडफोन यूज़ करने के बाद में ऐसा कोई नोटिफिकेशन, मतलब इसको ऑन करके रख लेना, एक अच्छी ट्रिक आती है। उसके बाद ना आपको क्या करना है बता देता हूँ, 38 फीचर की बात करते हैं, बैक आना है, बैक आने के बाद आपको डू नॉट डिस्टर्ब इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है, यहाँ से इनेबल ना कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ डू नॉट डिस्टर्ब, आप मान लो कि आप मीटिंग में हो, आप मीटिंग में रहने के बाद इंपॉर्टेंट मीटिंग चली है, इंपॉर्टेंट बातें चली हैं, वहाँ पर ना आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन का वो हाइब्रिड भी नहीं होना चाहिए आपका स्मार्टफोन, और रिंगटोन भी नहीं बनना चाहिए आपका स्मार्टफोन का, तो आप ना इनेबल ना कर लेना इस डू नॉट डिस्टर्ब को। आपको फ़ोन आ गया तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगा, और इसको ना सो आप डेली शेड्यूल, आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो आप शेड्यूल भी कर ले सकते हैं इसको, आप डेली आपकी मीटिंग कितने बजे रहती है उसको यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट कर लेना और कितने बजे ख़त्म होती है वो भी रख लेना। करने के बाद उसमें डेली वो डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा उसी टाइम, और आपकी मीटिंग ख़त्म होती ही आप टाइमिंग और सेट करके रख लेना, मीटिंग ख़त्म होती ही आपका ये बंद हो जाता है फीचर, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। ये डू नॉट डिस्टर्ब बहुत ही अच्छी ट्रिक आती है, सो ये खास करके मीटिंग वालों के लिए। थोड़े यहाँ पर यहाँ थोड़े फीचर आपको बता देता हूँ, एक आपको बता देता हूँ, मान लो कि आप चैटिंग कर रहे हो यहाँ पर व्हाट्सअप में, अभी इसमें फिलहाल व्हाट्सअप नहीं है, फिर भी मैं एक मैसेंजर ओपन करके आपको बता रहा हूँ, और साथ में आप देख रहे हैं यूट्यूब में एंजॉय कर रहे हैं वीडियो, तो आपको डायरेक्ट अभी चैटिंग करना है अभी व्हाट्सअप में जाकर आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक करते ही डायरेक्ट आप जाएंगे उस मैसेंजर पर आप देख सकते हैं, और आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जाएंगे यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको डबल क्लिक करना है स्पीड से, आप देख सकते हैं डबल क्लिक करते ही वो एप्लीकेशन से ए एप्लीकेशन से वो एप्लीकेशन, कुछ इस तरह से आप ट्रांसफर हो सकते हैं उस एप्लीकेशन से। यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करके ऐसे क्लिक करके ओपन करने की जरूरत नहीं, मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है,
दो एप्लीकेशन के बीच में ऐसे आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं सो कुछ इस तरह से आता है। अभी बात करते हैं 40 फीचर की बात करेंगे ना सो इसी का रिगार्डिंग आता है भी। मान लो कि आप दो दो एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं एक ही स्क्रीन पर, यूट्यूब में वीडियो एंजॉय कर रहे हैं साथ में ना सो आप और दूसरा एप्लीकेशन भी यूज़ करना है, तो आपको थ्री फिंगर को आपको ऊपर लेकर जाना है। थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाते ही सो आप दूसरा एप्लीकेशन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दो स्क्रीन हो चुके हैं यहाँ पर, ऊपर भी आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। YouTube इतना ही नहीं सो दूसरे इसके अलावा दो एप्लीकेशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ एक बात ज़रूर, एक एक एप्लीकेशन ऐसे हैं वो ओपन नहीं होते हैं यहाँ पर, जो एप्लीकेशन ओपन होते हैं वही यहाँ पर इसको कर सकते हैं सो यहाँ पर, और आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। YouTube में वीडियो इतना ही होता है तो यहाँ पर इतना कर लेना, नीचे वाला एप्लीकेशन बड़ा यूज़ कर लेना, कुछ इस तरह से आता है। दो दो एप्लीकेशन यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं सो एक ही स्क्रीन पर, ये अच्छी ट्रिक आती है। अब बात करते हैं 41 फीचर की बात करेंगे ना सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिसेंट टास्क रिमूव करने वाला फीचर होना, इसको यहाँ पर क्लिक करना है। टू डॉट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर ना सो यहाँ से भी आप स्प्लिट कर सकते हैं डबल स्क्रीन और थ्री फिंगर से लेकर, आपको आने की जरूरत नहीं। और एक बात आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद लॉक, इसको लॉक करने के बाद आप मान लो कि कोई ब्राउजर में आप काम कर रहे हो, कोई ऐप में आप काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट काम, और वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है, चालू है, अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है, तो आप ना सो आपको और रिसेंट टास्क पर क्लिक करके क्लोज ऑल करने की ज़्यादा आदत है, तो यहाँ पर इसको लॉक करके रख लिया ना, तो आप देख सकते हैं क्लोज ऑल करने के बाद वो लॉक से यहाँ पर नहीं जाएगा, इसको लॉक करके रख लिया ना, तो हमको रिमूव करना है तो यहाँ पर अनलॉक कर लेना है तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है, एक अच्छी ट्रिक आती है, इसको भी यूज़ करके रख लेना। अब बात करते हैं 42 फीचर की, आपको जाना है कॉल फोन सेटिंग में। फोन सेटिंग में जाने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, पर थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले दिखता होगा आप पर डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डार्क थीम भी फीचर मिल जाता है। सो ये फ़ोन का आप देखते हैं ये पूरा डार्क हो गया, कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सो डार्क थीम में। उसके बाद बात करते हैं 43 फीचर की, यहाँ पर आपको जाना है उसी सेटिंग में, डिस्प्ले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हमको कोई फीचर नहीं मिलेंगे डार्क थीम के अलावा। उसके बाद बैक आकर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर आपको क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑफ अगर आपका है तो इसको ऑन करके रख लेना। ये क्या आपको बता देता हूँ, आपको फ़ोन आ रहा है तो आपका स्मार्टफोन रिंगटोन इतना ही नहीं साथ में वाइब्रेट भी हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये सेटिंग आती है। उसके बाद बात करते हैं 44 फीचर की, उसी के ठीक नीचे बैक आने के बाद आपको ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा सो कॉलिंग अकाउंट्स में आपको सबसे पहले दिखता होगा फ्लैश ऑन कॉल को आप ऑन करके रख लेना। इसको ऑन करके रख लेंगे ना सो आप देखते हैं यहाँ पर अगर आपको कॉल आ गया, कॉल आने के बाद ये पीछे वाली जो फ्लैश लाइट है ना, ये फ्लैश लाइट लगती रहेगी। आप कहीं रखे हो स्मार्टफोन टेबल पर, यहाँ कहीं भी रखे हो तो आपको फ़ोन आ रहा है, आपका स्मार्टफोन साइलेंट भी है तो आपको पता नहीं चलेगा। अब अगर आपकी फ्लैश लाइट लग रही है तो पता चलेगा आपको फ़ोन आया बोलकर, कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। बात करते हैं 45 फीचर की, 45 फीचर की बात करेंगे तो आता है देख सकते हैं आप ऑटो आंसर, आप देखते हैं ऑटो आंसर ये इसको ऑन करके रख लेना, करना चाहते हैं तो कर लेना, नहीं तो नहीं। डिले ऑटो आंसर आप देख सकते हैं ये क्या आपको बताए तो हम मान लो कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट है आपका, ब्लूटूथ लगा कर रखें और आप ट्रैवल पर मतलब बाइक पर हो ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका स्मार्टफोन जेब में है तो आप ब्लूटूथ तो आपके कानों में कनेक्ट होकर लगा है तो 10 सेकंड के बाद आप 10 सेकंड रख लेंगे ना तो 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक फ़ोन रिसीव हो जाएगा। आपको फ़ोन जेब से बाहर निकाल कर रिसीव करने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे जितना रख लेना उतना रख लेना, 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक रिसीव। तो उसके बाद बैक आना है आपको 46 फीचर की बात करते हैं, यहाँ पर आसो वाइब्रेट व्हेन कॉल इज अनसॉर्ड एंड हैंडल, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको क्या इसको ऑन करके रख लिया, ये भी बहुत ही अच्छी ट्रिक आती है। ये क्या आपको बताया तो मान लो कि आप किसी को कॉल कर लिया, किसी को कॉल करने के बाद है ना सो वो आप ऐसे रखें स्मार्टफोन कान को लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको ऐसे पकड़े स्मार्टफोन तो रिंग तो होती रहेगी, आपको सुनाई नहीं देगा। ईयर स्पीकर से दूर पकड़ने के बाद में आप हाथ में तो स्मार्टफोन पकड़े हैं तो वो वाइब्रेट हो जाता है। अगर वो स्मार्टफोन रिसीव कर लिया मतलब आपका कॉल रिसीव कर लिया, अगर आपको कॉल रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है तो आपको पता चलता है यहाँ पर वो फ़ोन रिसीव किया है बोलकर। उसके बाद बात करते हैं 47 फीचर की, 47 फीचर की बात करेंगे तो हमको जाना है पर यहाँ पर हमको यहाँ पर और क्या फीचर मिलेंगे देखेंगे हम। यहाँ पर हमको फीचर यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर हमको यहाँ पर नहीं दिखा दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं मिला, कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर होना चाहिए था क्यों नहीं है पता नहीं। तो चलिए अभी कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर तो हमको यहाँ पर इसमें नहीं मिला दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग फीचर होना चाहिए था, आपको पूरी सेटिंग आपको बता दिया, इसमें कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग हमको ही मिली ही नहीं। आप देख सकते हैं होना चाहिए था कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग, तो चलिए इसमें कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग नहीं है, एक्स्ट्रा ऐप लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं सो हम कितने फीचर की बात कर लिया था हम,
47 या 48 बहरहाल जो भी हो, अब बात करते हैं 47 की समझ लो। तो चलिए हम जाना है भी ऑफिस से, हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप देख लेते हैं इस वाले फीचर को, आपको जाना है यहाँ पर, कमाल के ट्रिक्स आपको मिलेंगे इस टूल्स वाले फीचर में। सबसे पहले आप देख लेते हैं नेविगेशन बटन, ये बटन है ना, सो जो बैक बटन दिख रहे हैं ना आपको, ये बटन आप हाइड कर सकते हैं। आप देख लेते हैं इस स्वाइप जेस्टर फ्रॉम बॉट साइड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। करने के बाद आप देखते हैं ये बटन साइड हो गए, स्क्रीन और थोड़ा हमारा बिग होगा, सो बड़ा होगा, और आपको बैक आना है तो यहाँ से आप क्लिक करना है, यहाँ से करेंगे तो बैक आ जाएंगे आप, और साथ में यहीं से नहीं सो आप यहाँ से भी बैक आ सकते हैं, आपको बता देता हूँ यहाँ से बैक आ सकते हैं आप। ये भी एक बैक बटन है, आप देख सकते हैं इस बैक बटन होगा ना, तो चलिए आप देख सकते हैं बैक बटन है ये भी। और आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है, बीच वाला होम बटन, यहाँ से रिसेंट टैक्स यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे आप रिसेंट टैक्स रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा आपको होम बटन क्या है आपको बता देता हूँ, आपको ये होम बटन रहेगा दोस्तों, आपको सिर्फ ये बीच वाले से पकड़ कर आपको नीचे से इतना उठाना, ये रहेगा होम बटन, कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। उसके बाद दोस्तों और फीचर हमको यहाँ पर मिलेंगे, अब बात करते हैं 48 फीचर की। 48 फीचर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा दोस्तों असिस्टिव बेल आपको इस पर क्लिक करना है। ये भी कमाल की ट्रिक है, ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक आती है दोस्तों, यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है असिस्टिव बेल कर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक आइकॉन निकल कर आएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ ये भी बैक बटन होगा, इसमें कोई फीचर हमको नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें और भी फीचर्स लाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी असिस्टिव बेल पर आपको क्लिक करके टैब मेनू पर आपको क्लिक करना है। टैब मेनू पर आप क्लिक करेंगे ना दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद अभी इतने फीचर्स यहाँ पर खुलकर आएंगे। इतने फीचर खुलकर आने के बाद ये रहा दोस्तों बैक बटन, ये रहा स्क्रीनशॉट बटन, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बटन से। उसके बाद दोस्तों और देखते हैं ये रिसेंट टास्क रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों ये रहा लॉक बटन, यहाँ से लॉक कर सकते हैं आप अपने स्मार्टफोन को। उसके बाद ये रहा होम बटन, इतने फीचर आपको इसी असिस्टिव बेल फीचर में मिल जाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक आती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ठीक नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा दोस्तों स्मार्ट स्लाइड बार आपको क्लिक करना है। अभी बात करते हैं 49 फीचर की, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन करके रख लेना। इसको ऑन करने के बाद ये क्या आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इतना स्लाइड करेंगे ना दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन खुलकर आएंगे, मतलब कुछ यहाँ पर फीचर खुलकर आएंगे। इसको यहाँ पर आप एप्लीकेशन भी ले सकते हैं एडिट करके अपने मनपसंद के, जो रोज़ाना यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। ऐड करके रखने के बाद दोस्तों मान लो कि कोई भी इंपॉर्टेंट आप काम कर रहे हैं, दूसरा काम करना है, दूसरा एप्लीकेशन तुरंत आपको एकदम स्पीड से ओपन करना है, तो यहाँ से स्वाइप करके आप डायरेक्ट वो एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ ट्रिक आती है, अपने फेवरेट एप्लीकेशन वहाँ पर आप ऐड करके रख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से आता है स्मार्ट स्लाइड बार, इसको भी आप ऑन करके रख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं 50 फीचर की, आपको बोला था दोस्तों मैं 50 फीचर बताऊंगा बोलकर, लेकिन अभी 50 फीचर है। इसके बाद और भी आपको फीचर्स बता रहा हूँ, आपको टाइटल में बता दिया कितनी फीचर बता रहा हूँ बोलकर। यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं 50 फीचर की बात करेंगे तो स्क्रीन ऑफ गेस्टर्स, ये ना दोस्तों इसको ऑफ है ना, अगर आपका ऑफ रहेगा ये इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आप देखते हैं डबल टैप टर्न ऑन स्क्रीन, ये आप देखते हैं आप डबल टैप करेंगे ना तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा लॉक स्क्रीन पर। उसके बाद ड्राव टू इनेबल कैमरा, वो ड्राव करेंगे ना सॉन्ग, वो ऐसे करेंगे ना ऑफ स्क्रीन पर तो कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको अर्जेंट टाइम एकदम बहुत जल्दी आपको कैमरा ओपन करना है तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से कैमरा ओपन कर सकते हैं। और ड्राव वी टू, आप देख सकते हैं आप वी टाइप करेंगे ना तो फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं आपको बता देता हूँ मैं, वी टाइप करना है आपको ऑफ स्क्रीन पर, आपको वी टाइप करना है बस, फ्लैश लाइट आपकी ऑन हो जाती है, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं और अच्छी ट्रिक है। उसके बाद आप देखते हैं स्क्रीन ऑफ गेस्टर्स, आप जो एप्लीकेशन आप हाइड करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, आप अभी ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर मार्क, ऑफ स्क्रीन पर आप ऐसे करेंगे तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जो एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेट करके रखेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है। उसके बाद और बात करते हैं 51 फीचर की, 51 फीचर की बात करेंगे तो गेस्टर्स मतलब आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये क्या आपको बताया, तो अगर इसका ये ऑफ है तो आप इसको भी ऑन करके रख लेना। ये क्या आपको बताया, 3 फिंगर को आपको नीचे लेकर आना है, नीचे लेकर आती है स्क्रीनशॉट आपका लग जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट लग गया 3 फिंगर को नीचे लेकर आने के बाद में, कुछ इस तरह से ये ट्रिक आती है। बात करते हैं 52 फीचर की, 52 फीचर की बात करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस टू वेक, इसको भी ऑन करके रख लेना दोस्तों, ये भी कमाल की ट्रिक आती है। क्या है आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि आप टेबल पर यहाँ कहीं भी अपने स्मार्टफोन को रखे हो, ऐसे अब रखने के बाद दोस्तों जैसे आप अपने स्मार्टफोन को उठाएंगे अपने हाथ में तो ऑटोमेटिक स्क्रीन आपका ऑन हो जाएगा, आपको बटन पर क्लिक करके ऑन करने की ज़रूरत नहीं, आप मतलब समझ सकते हैं रेस्ट टू वेक का मतलब। उसके बाद उसके ठीक नीचे आते हैं 53 फीचर की बात करेंगे तो ऑटो एयर पिकअप कॉल्स,
ये क्या आपको बता देता हूँ। आप मान लो कि आपको कॉल आ गया, कॉल आने के बाद आपको कॉल पर ऐसे क्लिक करके रिसीव करने की आपको ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्मार्टफोन को कान के पास लेकर जाना है, ऑटोमेटिक वो रिसीव हो जाएगा। कुछ इस तरह से ट्रिक आती है सो इसको भी ऑन करके रख सकते हैं। उसके बाद एक और ट्रिक आती है सो यहाँ पर 54 फीचर की बात करेंगे तो फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करके रख लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कॉल आ रहा है, वो फ़ोन आप रिसीव नहीं करना चाहते हैं, तो आप रिंगटोन तो बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान हैं, तो आप क्या करना है, आपको फ्लिप करना है अपने स्मार्टफोन को। आप ऐसे फ्लिप करेंगे ना, फ्लिप करते ही वो रिंगटोन म्यूट हो जाएगी, फ़ोन तो आता रहेगा लेकिन रिंगटोन बंद हो जाएगी। दोस्तों कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। उसके बाद दोस्तों हमको बैक आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले एकदम नीचे आपको दिख रहा होगा एसेसिबिलिटी जो भी है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, आप देख सकते हैं इसको ऑन कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों आपके फॉन्ट स्टाइल है ना उसमें भी थोड़ा यहाँ पर हाई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ऑफ करेंगे तो कुछ इस तरह से, ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं दोस्तों फर्क दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से आता है। इसको भी आप ऑन करके रख सकते हैं दोस्तों। ये रही 55 फीचर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अभी 56 फीचर की। 56 फीचर की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, आना है बैक। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑटो ऑन ऑफ, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ आपको दे रहा होगा सबसे लास्ट में, यहाँ पर इसको क्लिक करके रख लेना है। ये क्या आपको बताया दोस्तों, मान लो कि आपको स्मार्टफोन ऑफ करना है, रात में ऑफ करना है, रात में ऐसे ही ऑन करके रखें तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी, ऐसा कुछ आप सोचते हैं तो आप ऑफ ऑटोमेटिक ऑफ कितने बजे ऑफ होना चाहिए, आप रात में कितने बजे सोते हैं वो रख लेना। सोने का टाइम ऑटोमेटिक वो उसी टाइम पर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप डेली सुबह कितने बजे उठते हैं वो ऑन करके रख लेना है यहाँ पर, और रख लेंगे ना तो आप उठने के बाद अपना स्मार्टफोन ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑफ, ऑटोमेटिक ऑन कुछ इस तरह से आता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 56 फीचर की। 56 फीचर की बात करने के बाद बैक आने के बाद आपको ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा प्राइवेसी। प्राइवेसी पर आपको क्लिक करने के बाद फाइंड माई डिवाइस आपको दिख रहा होगा, अगर आपका ये ऑफ है तो इसको भी ऑन करके रख लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन घूम गया, घूम जाने के बाद आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को, इसको ऑफ करने के बाद में नहीं, ऑन करने के बाद में। अगर आपका ऑफ है तो ऑन कर लेना। 57 फीचर की बात करते हैं। 57 की फीचर की बात करेंगे तो आपको ठीक नीचे आने के बाद ऐप लॉक, आप ऐप लॉक रखना चाहते हैं तो ऐप लॉक भी रख सकते हैं। सो अभी इसमें ऐप लॉक मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि अभी टाइम बहुत लगता है ना, अभी पहले तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ऐप लॉक भी आपको सेटिंग कहाँ मिलेगी वो तो आपको बता रहा हूँ, आपको आता ही रखने हैं, आप रख सकते हैं। उसके बाद 58 फीचर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं प्राइवेट सेव, आप कोई भी आप डेटा अपना छुपा सकते हैं इसमें। अब फोटोज वीडियोस आपके प्राइवेट है, आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, गैलरी में शो नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर प्राइवेट सेव में आप जाकर प्राइवेट करके रख सकते हैं सेफ तरीके से। उसके बाद बैक आना है आपको। बैक आने के बाद बात करते हैं 59 फीचर की। 59 फीचर की बात करेंगे तो आपको सिक्योरिटी में आपको क्लिक करने के बाद, आप तो ये तो हमने देख लिया यहाँ पर कोई फीचर तो हमको नहीं मिलेगा, बैटरी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं फोन बैटरी यूजेज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं टुडे कौन सा, आज कौन सा एप्लीकेशन आपकी बैटरी ज़्यादा खाया है, कितनी परसेंट खाया है, वो यहाँ पर आपको बता देगा। सो ऐसा कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखे हो जो बहुत बैटरी खा रहा है आपकी, तो यहाँ से उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर बैटरी देखकर, कितनी बैटरी खा रहा है वो देखकर। उसके बाद बैक आना, बैक आने के बाद 60 फीचर की बात करेंगे। अभी 60 फीचर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सो ऐप क्लोनर, आप डबल ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो डबल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं हम डबल कर लिया फेसबुक को, डबल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक फेसबुक है, यहाँ एक फेसबुक है, दो फेसबुक यहाँ से हमारे हो गए। सो आप डबल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 61 फीचर की। गेम स्पेस भी आपको मिल जाएगा, तो चलिए वो तो फालतू की बात है गेम वगैरह। उसके बाद हमको इतने फीचर यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। सो आप देख सकते हैं इतने फीचर ये हो गए, ये रहे 61 फीचर्स इसी ओप्पो रेनो 4 प्रो के। वैसे आपको कौन सा अच्छा लगा उसमें फीचर ज़रा नीचे कौन सा बताए देना। उसके अलावा यहाँ पर भी हमको यहाँ पर फीचर कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब भी यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर हमको ब्लैक स्क्रीन मोड भी मिल जाएगा, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद हमको फ्लैश लाइट यहाँ से मिल जाएगा, और उसके बाद हमको मिल जाएगा उसमें यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी यहाँ पर मिल जाएगा। एक 62 फीचर दोस्तों, ये का स्क्रीन रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऊपर भी मिल जाएगा, सेटिंग में भी मिल जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर कर सकते हैं, और आपकी बैटरी सेविंग भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। और असिस्टेबल यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, असिस्टेबल गया ना तो यहाँ पर असिस्टेबल यहाँ पर भी मिलेगा, इसको यहाँ से ऑन करके ले सकते हैं असिस्टेबल को। ऐसे फिलहाल ये रहे दोस्तों इतने फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसी ओप्पो रेनो 4 प्रो में। ये रहा दोस्तों ओप्पो रेनो 4 प्रो, इसके 60 से भी ज़्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दिया, 60 से ज़्यादा। आपको कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा लगा दोस्तों फीचर, जरा आप नीचे कमेंट्स में टाइप करके बता ही देना।